नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। ब्रेक्जिट के मुद्दे पर थेरेसा मे के इस्तीफे के बाद पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन के हाथों में ब्रिटेन की कमान होगी। पीएम की रेस में बोरिस ने वर्तमान के विदेश मंत्री जेरेमी हंट को बड़े अंतर से हरा दिया। यहां ये बात बेहद दिलचस्प है कि बोरिस को ब्रिटेन का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है। ट्रंप की तरह वो भी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर बयान इस्लाम विरोधी रहे हैं। ब्रिटेन में रह रहे मुस्लिमों में उनकी छवि कैसी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को जब ब्रिटेन के भावी पीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ, तो 36 साल से कंजर्वेटिव पार्टी का हिस्सा रहे मोहम्मद अमीन ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद अमीन ने ये इस्तीफा बोरिस के विरोध के तौर पर दिया है। इस्लाम और मुस्लिम समुदाय को लेकर उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से उन पर इस्लामोफोबिया होने का भी आरोप लगा। आइए आपको बोरिस के वो बयान बताते हैं जिनको लेकर वो इस्लाम विरोधी बन गए। साल 2018 में बोरिस ने एक लेख लिखा था जिसमें मुस्लिम महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित कमेंट किया। बोरिस ने कहा कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं वो किसी लेटर बॉक्स या बैंक लुटेरों की तरह लगती हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि लोग खुद को लेटर बॉक्स की तरह दिखाते हुए सड़क पर घूमना पसंद करते हैं। इसी तरह एक और लेख में उन्होंने इस्लाम को मुस्लिम दुनिया के पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह बताया था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम की वजह से मुस्लिम देश पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी पिछड़ गए हैं। बोरिस ने एक बार दावा किया था कि मुस्लिमों की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में विकास रुक गया है। मुस्लिम जितने पिछड़ते गए उतना ही उनमें कड़वाहट बढ़ती गई। बोस्निया से फिलिस्तीन, इराक और कश्मीर में भी इनकी भूमिका को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता। बोरिस अक्सर इस्लाम को मुस्लिमों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस्लाम की वजह से मुस्लिम तकनीकी और सांस्कृतिक तौर पर भी आगे नहीं बढ़ पाए। वहीं एक और लेख में उन्होंने विंस्टन चर्चिल की पंक्तियों को कोट करते हुए कहा था कि दुनिया में इस्लाम से ज्यादा पीछे धकेलने वाली कोई ताकत नहीं है। हालांकि बोरिस सिर्फ इस्लाम पर अपने बयानों की वजह से ही चर्चा में नहीं रहे। ओबामा को ब्रिटेन का खानदानी दुश्मन और हिलेरी क्लिंटन को मेंटल हॉस्पिटल की सडिस्टिक नर्स कहने की वजह से भी वो चर्चा में रहे हैं। बोरिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।